प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत हर बूथ को मजबूत बनाने बूथ स्तर तक पहुंच सुनी कार्यकर्ताओं की बात। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बूथ लेवल तक पहुंच वार्डों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दुर्ग शहर के वार्ड 43, 44, 32 और 33 सहित विभिन्न वार्डों का दौरा किया और प्रत्येक बूथ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चर्चा की। गौरतलब है कि दुर्ग संभाग में आज कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत इस अभियान में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री तामदास साहू और जय सिंह अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। वहीं इस अभियान के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर चुनाव की रणनीति बना उन्हें आगामी विधानसभा में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बेहतर कार्य कर छत्तीसगढ़ प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सत्ता लाने जोश भरा जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे सरकार के हमारे सभी साथियों ने तय किया है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं बूथ तक जाएं और बूथ में जो जोन समिति, बूथ समिति, सेक्टर समिति बन रही है उसको देखें कि किस तरह से बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं, और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं बच्चों को समझाएं। ये बहुत बड़ा काम भी है और इस काम में हम लोगों को लगा के एक ऐसा अवसर दिया गया है कि हम सब लोग एक बराबर बताएं अपने साथियों को, उनके सुख दुख भी सुने, कोई कमी हो विधायक जी की, अन्य लोगों की, वो भी जानकारी दें और हम आने वाले चुनाव के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। आज हम लोगों ने वार्ड 43, 44 और 37, 38 चार वार्डों में यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। हमारे साथ रश्मि सिंह जी भी हैं जो संसदीय सचिव हैं, भाई हमारे पांडे जी भी हैं जो हमारे विधायक हैं बिलासपुर के। हमने यहाँ के देखा कि भाई अरुण से बहुत प्यार करते हैं लोग, हमने अपने आंखों से देखा। लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय विधायक तो है ही हैं, बहुत लाड। और आज हमारे अल्ताफ भाई जैसे कार्यकर्ता हैं जो ईद के त्यौहार के दिन अपनी खुशियां मनाने के बजाय कांग्रेस की खुशियां के लिए यहाँ खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत मिला। ये एक परंपरा है जो हम लोगों को यहाँ के मोतीलाल जी बोरा जी ने दिया है, उस परंपरा का यहाँ सब लोग, साथी लोग पालन कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारे प्रचार का साधन बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरे गली गली में छाए हुए हैं और उस मामले में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर रही है पिछले दिनों। इस बार हम चाहते हैं कि हम उनसे आगे जाएं और उसी तरह पछाड़ें। अभी तो हमने आशा व्यक्त की है इनसे और निवेदन किया है कि जितने मतों से भाई अरुण बोरा को यहाँ से आप लोगों ने जिताया है उससे बेहतर मतों से आप जिताइए, और हमने उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है और उनको आशीर्वाद। ये तो आप लोगों का सौभाग्य होना चाहिए कि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के 5-5 मंत्री हैं। यहाँ हम लोगों ने तय किया कि एक साथ बम्बार्डिंग करेंगे, सब अध्यक्ष लोग जाएंगे, सब वरिष्ठ लोग जाएंगे और जा जा के हर विधानसभा में देखेंगे और उसी का नतीजा है कि हम सब लोग अलग अलग बूथों में आए हैं। वहीं यहाँ दुर्ग के इस अभियान में शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पाशी अली सहित बड़ी संख्या में बोर्ड के रहवासी शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।